नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग कैरियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है फ्रैक्चर। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर, तीसरा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, पांचवा है साइन एंड सिम्टम, छठा है ट्रीटमेंट। हम इसमें एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सूजन। हम इसमें निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सूजन, दूसरा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूजन, तीसरा है सूजन नीडल्स। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर क्या होता है। बोन फ्रैक्चर एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन की कंटिन्यूटी में पार्शियल या कंप्लीट ब्रेकेज हो जाता है। अधिक सीवियर केसेस में बोन कई टुकड़ों में टूट सकती है। बोन का फ्रैक्चर हाई फोर्स इंपैक्ट या स्ट्रेस का परिणाम हो सकता है या कुछ मेडिकल कंडीशंस के परिणाम स्वरूप कम से कम ट्रोमा इंजरी हो सकती है जो बोन को कमजोर करती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया, बोन कैंसर या ऑस्टियोजेनेसिस इन परफेक्टा। जहाँ फ्रैक्चर तब ठीक से होता है जिसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाता है। कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर में फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट फोर्स। बोन सीधे उस बिंदु पर फ्रैक्चर करती है जहाँ ब्लो का फोर्स अप्लाई होता है। उदाहरण के लिए रेडियस अल्नर में फ्रैक्चर वेट के द्वारा होता है। सेकेंड कोज है इनडायरेक्ट फोर्स। फोर्स के अनुप्रयोग, फोर्स के अप्लाई होने से बोन टूट जाती है। उदाहरण के लिए क्लेविकल के फ्रैक्चर के बाद आउट स्ट्रेस्ड होना। थर्ड कोज है फोर्स ऑफ मस्कुलर एक्शन। मसल्स के समूह का वॉयलेंट कॉन्ट्रेक्शन बोन के टुकड़ों को उस बिंदु से दूर करता है जहां मसल्स अटैच होती है। फोर्थ कोज है फोर्स ऑफ लिगामेंट। जॉइंट के रीचिंग के कारण लिगामेंट जॉइंट पर पुल करने में हार्ड होता है जिसमें से बोन पर फ्रैक्चर हो जाता है जिससे लिगामेंट जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। पहला टाइप है सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में डैमेज बोन के आसपास की स्किन की सरफेस टूटती नहीं है। सेकेंड टाइप है कंपाउंड फ्रैक्चर। जब वुंड स्किन की सरफेस से फ्रैक्चर या टूटी हुई बोन की ओर जाता है तो स्किन की सरफेस को ये पेनिट्रेट करता है। ऐसे फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ब्लड वेसल्स और नर्व्स में इंजरी होने पर इसे क्लोज या ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को वर्गीकृत किया गया है। पहला है ट्रांसवर्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल, तीसरा है ऑब्लिगेट, चौथा स्पाइरी, पांचवा इंपैक्ट, छठा कम्युनिकेटेड, सातवां ग्रीन स्टिक, आठवां कम्युनिकेटेड, नौवां डिप्रेस्ड और दसवां है कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। आइए इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच वन इज द फ्रैक्चर टाइप। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल, एसिमेट्रिक, आइसोमर, ऑल ऑफ अबव। आंसर है लॉन्गिट्यूडिनल। फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम्स हैं। बोन फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम बोन की सीवियरिटी और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। जनरली इसके सिम्टम्स में शामिल हैं पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्टी मूविंग, ब्रूसिंग और अल्टर्ड नॉर्मल लिम्ब अलाइनमेंट। इसके अतिरिक्त इंजर्ड एरिया टेंडर या वार्म महसूस कर सकता है। एक ओपन फ्रैक्चर के केस में बोन को स्क्रीन से देखा जा सकता है। कभी कभी व्यक्ति को एहसास नहीं होता है कि उसके फ्रैक्चर हुआ है। तो आइए इससे रिलेटेड एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए बोन फ्रैक्चर. ऑप्शन है पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्ट मूविंग, ऑल ऑफ अबव. आंसर है ऑल ऑफ अबव. फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है, एक बार डॉक्टर ने कंफर्म लोकेशन और फ्रैक्चर के प्रकार की पुष्टि की है तो आमतौर पर एक्सरे के माध्यम से वह एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करता है. बोन के फ्रैक्चर के इलाज के कई अलग अलग तरीके हैं. इमोबिलाइज्ड कास्ट, एक प्लास्टर या फाइबर ग्लास की कास्ट को फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर के आसपास लगाया जाता है. इस प्रकार की कास्ट में बोल हील नहीं कर सकती जो प्रॉपर हीलिंग को प्रमोट करती है. फंक्शनल कास्ट या ब्रेस, इस प्रकार की कास्ट सीमित लेकिन कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए अलाउ करती है और केवल कुछ के लिए एप्लीकेबल होती है. आमतौर पर माइनर फ्रैक्चर, कभी कभी फ्रैक्चर काफ़ी गंभीर होता है कि इसे एक कास्ट या ब्रेस की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है. एक्सटर्नल फिक्सेशन, एक सर्जन बोन में स्क्रू और वायर्स को इंसर्ट करेगा जो तब स्किन के बाहर की तरफ एक मेटल बार से जुड़ा होता है. यह डिवाइस ठीक होने पर बोन को स्थिर करती है. एक बार जब फ्रैक्चर ठीक हो जाता है तो स्क्रू और एक्सटर्नल डिवाइस को हटाने का काम आमतौर पर बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के ऑफिस में किया जा सकता है. ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन, एक सर्जन टूटी हुई बोन को अपनी नॉर्मल पोजीशन में रीअलाइन करता है और फिर उसे रखने के लिए मेटल प्लेट या स्पेशल स्क्रू को लगाता है. कुछ केसेस में बोन के सेंटर को स्थिर करने के लिए एक मेटल की रोड को इंसर्ट करता है. फ्रैक्चर ठीक हो जाने के बाद स्क्रू और प्लेट को आमतौर पर बोन में छोड़ दिया जाता है लेकिन कुछ स्थिति में इसे हटाया जा सकता है. यह ट्रीटमेंट एक टूटी हुई बोन को धीरे से हटाने के लिए वेट पुली और रोप्स का उपयोग करता है. ट्रैक्शन का उपयोग आमतौर पर उस इवेंट में एक टेम्प्रेरी उपाय के लिए किया जाता है जिसे किसी व्यक्ति को सर्जरी करने के लिए इंतजार करना होता है. फर्स्ट एड में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, स्विचर. स्विचर के इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन. स्विचर स्टिच या स्टिच की एक सीरीज होती है जो सर्जिकल या वुंड को बढ़ावा देने वाले एज के विरुद्ध को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है. स्विचर मटेरियल में शामिल है. स्विचर मटेरियल एक आर्टिफिशियल फाइबर है जिसका उपयोग वुंड को एक साथ रखने के लिए किया जाता है जब तक कि वे नेचुरल रूप से होल्ड नहीं हो जाते जो एक स्ट्रॉन्ग स्कार में सिंथेसाइज्ड और ओवन होते हैं. स्विचर के कुछ लक्ष्य हैं जैसे कि वुंड हीलिंग, वुंड के इन्फेक्शन से बचना, एडिक्वेट टेंशन प्रदान करना. स्विचर के करैक्टरिस्टिक्स में शामिल है, पहला है फिजिकल स्ट्रक्चर. इसका ए पॉइंट है मोनोफिलामेंट. यह स्विचर मटेरियल स्मूथ और आसानी से टिश्यू के माध्यम से स्लाइड करने वाले होते हैं. नीडल होल्डर और फोर्सेप्स के साथ इसे पकड़कर ग्रिपिंग किया जा सकता है जिससे स्विचर मटेरियल का फ्रैक्चर हो सकता है. बी है मल्टी फिलामेंट. मोनोफिलामेंट्स की तुलना में अधिक सरफेस एरिया होता है. इस मटेरियल को चिकना बनाए रखने के लिए सिलिकॉन के साथ कोटेड किया जाता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एब्जॉर्बिलिटी. इसमें आर्टिकल्स का यूज करते हैं, मिडल ऑर्डर, स्विचर नीडल, स्विचर मटेरियल, नीडल होल्डर. इस डायग्राम में नीडल होल्डर का डायग्राम दिखाया है जिसमें बीच में दो पॉइंट्स हैं जहां पर नीडल होल्ड रहती है. जैसा कि हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सर्जिकल नीडल्स के डायग्राम हैं जिसमें अलग अलग साइज के अनुसार नीडल के डायग्राम दिखाए गए हैं.
रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है गोल ऑफ सुचरिंग, ऑप्शन है वुंड हीलिंग, अवॉइड वुंड इन्फेक्शन, प्रोवाइड एडिक्वेट टेंशन, ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और हाँ लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।